वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता पकौड़ा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने क्रश करके रखे हुए थे, ये डालते हैं। एक आलू था, ये दो गजरे, ये भी मैंने क्रश की हुई है, और ये धनिया और सब्ज़ मिर्च। दो टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून कड़ी पत्ता पाउडर, थोड़ी सी कलवंजी और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी, सूखा धनिया हाफ टी स्पून जाएगा और ये थोड़ा सा अनारदाना जाएगा, इसमें हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ कप पीसेस में हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम हाथ अच्छी तरह धो के इसको मिक्स कर लेते हैं। वन टेबल स्पून इसमें मैदा जाएगा, ब्लेंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। अब हम बैटर बनाएंगे। वन कप बेसन का लेंगे, हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी लगा के हाथों को। कोफ्ते रेडी हो गए हैं तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल में डाल देंगे, ऑयल ज्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि कोफ्ते टूट भी जाते हैं और जल भी जाते हैं। इसी तरह हम सारे कोफ्ते डाल लेंगे। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करेंगे ताकि घी ऊपर तक आ जाए। जब तक ये अच्छी तरह पक ना लेना है, इनकी साइड में चेंज करनी है। ये दो मिनट हो गए, अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह देखें हमारे कोफ्ता पकौड़ा रेडी हो गए, अंदर तक ये पक चुके हैं। हम इनको डिश आउट करते हैं और बाकी जो है कोफ्ते को भी फ्राई कर लेते हैं। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। हमारे कोफ्ता पकौड़े रेडी हो गए हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।